हेलो सब लोगों, कैसे हैं भाई? सब लोग ठीक ठाक मजे में? आपका भाई एक तो फिर आ रहा है भाई 360 के न्यू एपिसोड के साथ। तो भाई साहब, आज हम दोबारा हाजिर हुए हैं फर्स्ट T20 के बाद। हम सेकंड T20 को डिस्कस करते हैं भाई यहाँ के ऊपर। तो भाई सबसे पहले तो देखो हमें क्या डिस्कस करना पड़ा है कि भाई छोटी टीमों से जीतने के बाद भी हमें जश्न मनाना पड़ रहा है भाई। तो भाई साहब हमें समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी T20 को क्या हो गया भाई। आल तो ये हम मैच जीते हैं, लेकिन हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे भाई कि भाई जहाँ पे एक दफ़ा लगा कि पाकिस्तानी जो टीम है भाई गई गई गई, अब ये भी हमारे हाथ से मैच निकलने वाला है। लेकिन भाई कुछ टीम्स प्लेयर्स जिसकी हम आगे जाके वीडियो में बात करते हैं, तो भाई उन्होंने बता दिया कि भाई पाकिस्तानी टीम को हल्का नहीं लेना भाई, हम यहाँ ज़रूर ठोका लगाएंगे, बड़ी टीमों को भी ठोका लगाएंगे। तो भाई साहब पहले हम आज बात करेंगे भाई बॉलिंग की। तो भाई साहब बॉलिंग देखें भाई जान, हमारी यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन बॉलिंग रही है तो वो आपको नज़र आ रहा होगा इकोनॉमी रेट भाई, 7 से ऊपर तो ऑलमोस्ट सबको पड़ी है। शहनशाह अफरीदी का इकॉनमी रेट जो है वो भी 12, आमिर का 11, नसीम शाह का 9, अब्बास अफरीदी का 8। तो यही मैं आपको चीज़ पहली वीडियो से बता रहा हूँ कि 9-10 की एवरेज भाई लगेगी। बॉलिंग कोई भी ले आओ दुनिया के बॉलर्स, आपको 9-10 की एवरेज जो है T20 में अब लगनी है। तो बहुत ही रेयर होगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करेगा बॉलर, लेकिन यहाँ पे भाई साहब आपको लगने वाली है 9-10 की एवरेज। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आयरलैंड ने भी भाई 200 स्कोर के करीब जो है वो स्कोर टारगेट हमें दे दिया था, ये तो होना ही था, ये होना ही था, 191-200 के करीब स्कोर पड़नी है। तो भाई साहब अब हम बात करेंगे बैटिंग के ऊपर। तो जब हम बैटिंग के ऊपर बात करेंगे तो सबसे पहले तो भाई जब मैंने टीवी ऑन किया तो मैं बताऊँगा, टीवी मैंने बंद भी कहाँ कर दिया, साई में यू आउट हुआ, वेरी गुड। उसके बाद भाई बाबर आजम भी 0 पे गए, आउट हो गए। तो भाई यहाँ पे मैंने मैच को जो है ना वो बंद कर दिया। क्यों भाई? हमारी जो टीम है ना T20 की, वो हमेशा से ही जो है ना दो जो प्लेयर्स हैं हमारी टीम के अंदर उन्हीं पे जो है ना इन्हिसार करती है। उसमें से सबसे पहला है जो भाई रिजवान है और फिर बाबर है। तो बाबर तो भाई जा चुके थे और रिजवान का मुझे नहीं लग रहा था कि वो भी टिकेंगे, तो मैंने भाई उसके बाद कर दिया टीवी को बंद। तो फ़खर जमान भी आ गए, मुझे था कि फ़खर जमान ने भी भाई पिछले मैच में 18 की थी, अभी 10-12 के बाद उड़ने वाले हैं, और फिर जो है ना आज़म खान ने आ जाना है और भाई फिर टीम फारक 190 अब इनसे चेंज नहीं होनी। मैंने भाई टीवी बंद कर दिया, मैंने कहा भाई एंड पे जाएंगे देखेंगे हाइलाइट्स देखेंगे, तो भाई फिर हम इसकी वीडियो को वाला ज़रूर बनाएंगे। तो जैसे ही मैंने हाइलाइट्स यानी कि एंड वाले ओवर्स देखने के दोबारा टीवी ऑन किया तो भाई मैं शॉक्ड, बिल्कुल शॉक्ड रह गया। आज़म खान आए हुए थे भाई, फ़खर जमान अभी रिसेंट आउट होके गए थे, आज़म खान अभी अंदर आ रहे थे, और मैं स्कोर देख रहा हूँ भाई वो ये क्या हो गया भाई, किसने मारा है? मैंने फौरी से भाई क्रिक बस को ओपन किया, मैंने ऐप में चेक किया तो भाई फ़खर जमान अभी भाई ठोका यहाँ पे सही 195 के स्ट्राइक रेट से, रिजवान ने 163 के स्ट्राइक रेट से, मैं एज़ यूजल बोलता हूँ भाई 150 के स्ट्राइक रेट से ऊपर ही खेलना, न डर होकर खेलना। सबसे जो मेन चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम में हो वो होती है न डर, बेखौफ होकर खेलना भाई। हम 50 पे भी ऑल टीम आउट हो जाते हैं, लेकिन बेखौफ होकर खेलना भाई, डर के नहीं खेलना। डर के खेल के ना तो चेज हो सकती है स्कोर और ना ही आप जीत सकते हो। बेखौफ होकर खेलोगे भाई, आप अपनी गेम खेलोगे, नेचुरल गेम खेलोगे उसमें, क्योंकि T20 के अंदर भाई कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ छोटा फाड़ लेना तो फंडी जाना है बस। ये भाई जेन में एक चीज़ को बैठा लो और यही आपने जो है ना वो टीमें ने करना है, और वही बात हुई भाई। फ़खर जमान ने भी मारा और मोहम्मद फ़खर जमान ने भी फांडा लगाया और मोहम्मद रिजवान ने भी जो है ना वो फांडा लगाया। हाँ इसमें कुछ सुनने में आया कि भाई कैचेस ड्रॉप हुए हैं, तो वो तो एक मैच का हिस्सा है भाई, कैचेस हमारे से भी ड्रॉप होते हैं, अगली टीम से भी ड्रॉप होते हैं, वो हो सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई उन्होंने छोड़ दी तो हम मैच जीत गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है कि छोटी टीम है, कोई मसला नहीं है, हाथ खोलना तो चंगा खोलना भाई, न डर होके खेलना। तो वर्ल्ड कप में जाने से पहले भाई इतना न डर होके जाओ कि जब आप पहली बॉल से ही आओ किसी चीज़ का डर ना हो कि ये बॉलर स्विंग कर रहा है, बाउंस कर रहा है, तो भाई आपने इस चीज़ को फांडा लगा देना। जब एक दो चौका लगेगा बॉलर को, उसकी स्विंग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, उसके बाउंसर भी आने बंद हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ जो है ना बैट्समैन को समझनी चाहिए, जितना डरेंगे गेंद उतना स्विंग करेगा बॉलर, उतनी ही वो बाउंस जो है ना आपको मारेगा। दो चीज़ों से हमारी बैट्समैन ना टांगे कांप जाती हैं इनकी, वो एक तो होता है बाउंसर और दूसरा होता है भाई स्विंग। जहाँ ये दो चीज़ें मिलेगी ना, दोनों ही जनाब हमारी टीम फूस, पूरी टीम फूस हो जाएगी। एनी हाउ T20
टीम अच्छा खेली और जो है वो 16.5 ओवरों में भाई हमने ये टोटल को चेज कर लिया, जो मैं एज यूजल चाह रहा था कि हमारी टीम ये ऐसे चेज करे, लेकिन भाई साहब चेज करती नहीं है, रे करती है। लेकिन हमारा भाई बहुत जगह पे मजाक उड़ाया जा रहा है कि भाई पाकिस्तानी टीम जो है अब आयरलैंड से जीत के जश्न मना रही है, छोटी टीमों से जश्न मना रही है। तो ज़्यादातर जो आवाज़ें आती हैं भाई हमारे जो नेबर्स हैं, भाई आप भी समझ रहे होंगे जो नेबर्स साइड्स हैं वो बड़ी आवाज़ें आती हैं, तो भाई हम अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस चीज़ के ऊपर। वर्ल्ड कप के अंदर हम ज़रूर बात करेंगे क्योंकि हमारा मैच हमारे नेबर्स के साथ एक मौजूद है जिसका हमें बेताबी से इंतज़ार है। आल दो के हमें यकीन नहीं है कि हम वो जीतेंगे, लेकिन वही बात भाई, हौसला नहीं हारना, हौसला होगा निडर होके खेलेंगे तो मैच हम जीत भी सकते हैं। एनी हो भाई, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आपने मुझे भाई बताना है भाई नीचे कमेंट्स के अंदर, और लाइक ज़रूर करना है। तो मिलते हैं भाई सब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।